अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चलनगुटा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी और बताया जा रहा है कि वो पहले से शादीशुदा था और शादी होने के बाद से मुसलसिल ये लड़की पर जुल्म कर रहा था, तब जाकर ये खातून कुछ गोलियाँ खाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहाँ पर यह ज़ेर इलाज है। ये लड़की के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। वाज़ह रहे कि खुदकुशी करना भी एक क्राइम है और इस्लाम में हराम है, ऐसे चीज़ों से बचने की हमें ज़रूरत है। तकी और रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। वही हिबा फातिमा बच्ची का नाम है, मैं बच्ची की फूफू हूँ। शादीशुदा है, वो आदमी नहीं मालूम था हम लोगों को, दरियाफी भी नहीं करे, बस्ती में मालूम नहीं हुआ। शादी होने के बाद बच्ची को मालूम हुआ, 3 महीने की 4 महीने की दुल्हन थी, इंतकाल हो गया। हमार को धोखे में रख के रिश्ता लाए, शादी करके लेके गए, लेके गए, जब से बच्ची को ये इस तकलीफ़ा दे रही। अम्मा बहन की शिकावट ज़्यादा है बच्चे को, मालूम है बच्ची जब शादी करके लेके गए सो 1-2 महीने में मालूम हुआ बच्ची को, ऐसा इन्होंने शादीशुदा है, 3 महीने की दुल्हन थी, दुल्हन का इंतकाल हो गया बल्कि बाद में मालूम हुआ हम लोगों को भी। जी हाँ, टॉर्चर चालू हुआ, हद से ज़्यादा टॉर्चर चालू हुआ। ये मालूम होते बच्ची को घर में रख के भी खाने पीने की तकलीफ़ दे रहे थे, फिर यहाँ छोड़ के भी वैसे कर रहे थे। अब आज जो है सो फ़ोन पे बहसम बहसी करके कुछ गैर गलत बोले बच्ची को, बच्ची के पास सब रिकॉर्डिंग आए फ़ोन में। हाँ, बच्ची जो है सो नहीं मालूम जैसा गोलियाँ खा ली। हाँ जी हाँ, फ़ोन करे हम लगा चंद्रनगुटे PS से, पुलिस वाले आए, आके 2 गाड़ी आए, बयान लेके गए बच्ची का, हम लोग का सब लिख ले के रिपोर्ट गए पूरा। जी ये फोटो है देखिए, इसका एक नाम आरिफ है, यही है बच्ची का शौहर। और हमारे को जो है सो पुलिस से इंसाफ होना, सख्त से सख्त कार्रवाई करना, बच्ची को इंसाफ मिलना, इंसाफ मिलना, और कोई बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना हमारी बच्ची के साथ जैसा हुआ। यही आदमी है, चंद्रनगुटा PS में कंप्लेंट करें हम लोग, वहाँ के जी हाँ केस करते बोले, बुलाते बोले। मेरा नाम खमर सुल्ताना है, मैं अलजुबेल कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी बच्ची हिबा फातिमा है, 4 साल पहले शादी हुई, 3 साल की लड़की है, करके लेके गए, जब से मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं सास ननन जो है समा शौहर उनके। कितने साल पहले हुई शादी? 4 साल पहले हुई है, 5वां साल चल रहा रनिंग। बच्चे को? हाँ, एक बच्ची है, 3 साल की बच्ची है उनको। उनके शौहर का नाम मोहम्मद आरिफ है, मलकपेट में रहते हैं उन्होंने डेंटर है वो, गाड़ियों का बनाने का। अब क्या हुआ? जो है समा वैसे ही उनको टॉर्चर कर रहे हैं, महीना महीना 2-2 महीने 5-5 महीने ऐसा रह रहे हैं, साल भर पहले ऐसा अलग अलग बोल के यहाँ रख के रातों को नहीं आना, जो समा नाइटा है वो है बोलना, वालदा के घर में रहते थे ऐसी करना, जो समा कुछ भी लाओ करो बोले तो नहीं, मेरे कहने नहीं है बोलना, फिर बोले तो कंपनी में है ना, फ़ोन पे बात करते बच्ची से, ना खैर लेते ना खैरियत कुछ भी नहीं, बच्ची के दूध को तक तरसा रही जो है समा बच्ची को। रमज़ान पूरा रोज़ों में जो है समा नमक से खोली मेरी बच्ची रोज़ा, जो है समा खाने की बेहद तकलीफ़ दे रहे हैं उनको, सास के घर के उधर ही है ना, आके कोई सास पूछते ना ससुरे पूछते कुछ भी नहीं, शौहर भी वहीं खा लेते पी लेते रहते, खाली चले जाते, क्या बोलते फिर काम पे है बोलते, एक टाइम का खाना घर पे नहीं खाते ना, उनको सही तरीके से ला के देते। मेरी बच्ची भूखी भूखी रह के जो है समा ईद के बाद आए, चलो आज नहीं कल सुधरेंगे बोल के। मैं गोलियां खाने की वजह क्या है? वही अब आपकी 15 दिन से 1 महीने से यहाँ है झगड़ा बह बो रहे हैं, हमें इतने दिन हुआ अकेले तो लॉकडाउन है, तो यहाँ भी तो लॉकडाउन है ना हमारे मम्मी पापा के घर में, बच्ची आपको याद करे बोले तो नहीं नहीं लॉकडाउन है ना, मेरे को दूध को पैसे नहीं है, मेरे खर्चे को पैसे नहीं है बोल के 15-20 दिन से वो करें, अब आता हूँ जब आता हूँ बोल रहे नहीं आ रहे। अब बच्ची मेरी क्या सोच ली क्या नहीं, क्या बात हुई क्या नहीं, उन्होंने जो समा क्या गोलियां खा लिया मेरे समझ में नहीं आ रहा हूँ। मेरे घर में जो समा आते आते हाँ नहीं नहीं मैं सो गई थी, जो समा मैं सो गई थी, कितने बजे खाई? 10-11 बजे के दरमियान शायद, जब उल्टियाँ हुए करने लगे तो मैं कई को कर बल्कि चकरा आके गिर गए उन्होंने, उसमें मैं परेशान होकर यहाँ दवाखाने को लेकर आए, लाइफलाइन के बात करे कि छोड़ दे मेरे को, तुम छोड़ना मैं ऐसा टॉर्चर करूंगा, तुम अपने से छोड़ना,
बोल के वो हाथा उठा के दुआ कर लेना, घर में यही टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। घर में भी वो बच्ची के खातिर, मेरी बच्ची रही भी तो ऐसा ऐसा मैं रखूंगा तो। शादी हुए जब से ऐसी है, ससुराल में 4 साल रहे, 4 साल रहे भी तो ऐसी महीना महीना 15-15 दिन छोड़ देना, चलो आज ने कल सुधरते परेशानी पर। बोले ना हम परेशानी है, बोले तो भी करे आप लोग, वो तो ऐसा कैसा क्या खाने को नहीं है बोले थे, बोल के बोले भी तो हाँ हाँ करे थे कभी ना? बच्ची हमारी नहीं ने ऐसा गोलियां भी नहीं खा लिया, ऐसी पुलिस में उधर चादर घाट में बोले वो करे भी तो जो सुमा हाँ हाँ नहीं लिए। कंप्लेंट लिखाए थे आप? हाँ कंप्लेंट लिखाई थी हाँ, तो लोग मैं इसको चलो नहीं वहाँ बुला ले तो मैं यहाँ लेके रखे घर साल भर में, यहाँ के मकानदारा दो भी मकानदारा बोलते ऐसा कैसा करके दिए बच्ची को, शहर 4-4 दिन नहीं आते, नाइटा नाइटा है बोलते, फिर कुछ लाते नहीं करते नहीं। अब मेरा घर था मैं आ जाते थे रात को, नाइटा है बोलना वो करना, माँ बाप करने से रहना उन। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका क्या आप क्या पुलिस को क्या बोलना चाह रहे हैं? अब इंसाफ होना मेरी बच्ची को, इंसाफ होना मेरी बच्ची है और उसकी बच्ची है, वो बच्ची को छोड़ के नहीं रहती बच्ची, बच्ची के खातिर मेरी बच्ची की जिंदगी में वो कर दी बेटा, कैसा भी है तू गुजार। फिर रुआब से बोलता हम रुआब से रहने वाले हैं, बोले हम बोले कुछ परेशानी है तो लेके जाओ, हम देते खर्चा पानी, देते राशन पानी दलाते, बोल के बोले तो नहीं नहीं मेरे को नहीं होना। 3 महीने लेके जाके मैं उसको पेट में मुंडी डाल के बोली मेरी बच्ची की डिलीवरी देख बेटा, जानवर भी रहा तो उसके मर्जी का चारा डालता, ये तो इंसान है, तुम्हारी मर धोखे में रख के शादी करे, पहली बीवी मर गई ऐसी, 3 महीने में मर गई पहली बीवी क्या।